नागौर संसदीय क्षेत्र के मेरे तमाम भाइयों को, नौजवानों को, छत्तीस कौम के मेरे भाइयों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरा इतना सहयोग किया। लेकिन फिर भी आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, 5 बजे तक मैं कार्यक्रम करूँगा, और फिर भी कई पंचायतें और कई गांव छूट जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैंने प्रयास किया आपके बीच पहुँचने का, पूरा समय भी दिया। राजस्थान के अंदर भी कमल खिलाने के लिए मुझे 7-8 संसदीय क्षेत्रों के अंदर जाना पड़ा। एक राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी आवश्यकता इस देश को, अभी राष्ट्रभक्ति राष्ट्रवाद की है, पर हनुमान बनने वाले राष्ट्रभक्त होने के नाते पूरी आरएलपी पार्टी का बीजेपी को सपोर्ट किया। और जिन गांवों के पंचायतों के अंदर मैं नहीं आया, मैं व्यक्तिगत रूप से 6 तारीख की जो वोट होगी उसके बाद आपके बीच व्यक्तिगत उपस्थिति भी दूंगा। पुनः आह्वान करता हूँ नागौर के मान सम्मान के लिए, प्रदेश के मान सम्मान के लिए, अपने भाई हनुमान बेनीवाल को टाइल का चुनाव चिन्ह है उस पर मोर लगाएं। तमाम नौजवानों को जिनके लिए मैंने संघर्ष किया, किसानों के लिए संघर्ष किया, एक मिसाल कायम की, मंत्री पदों को ठोकर मारी, अब वक्त आ गया है कि नागौर संसदीय क्षेत्र को विकास के नए आयाम देंगे, नागौर को आगे लेके जाएंगे। बाहर से जो लोग आके कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं इनको वापस इनकी जगह पे आप सब भाइयों को भेजना है। राम राम सर, मैं डॉक्टर ज्योति मिर्धा नागौर लोकसभा क्षेत्र से आपकी प्रत्याशी। कल 6 तारीख को नागौर लोकसभा के लिए मतदान होगा। मैंने अपनी तरफ से ज्यादा लोगों से संपर्क साधने का प्रयास किया। लोकसभा का क्षेत्र बड़ा था, हो सकता है मैं पर्सनली आप तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये जो मेरा मैसेज है इसको एक पर्सनल निमंत्रण माने, निवेदन माने कि कल जब मतदान हो तब आप सभी बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हुए कांग्रेस के समर्थन में एक स्वच्छ राजनीति के लिए, एक सभ्य राजनीति के लिए, नागौर के निर्माण के लिए एक नंबर के हाथ के बटन पर अपना वोट दे करके मुझे समर्थन दें और अपने नागौर की सेवा करने का एक मौका और प्रदान करें। राम राम सर।